अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम अपने आज के इस लेक्चर में फाइनाइट ऑटोमेटा से रिलेटेड ही ऑटोमेटा देखने वाले हैं, लेकिन ये ऐसे फाइनाइट ऑटोमेटा हैं जिनकी आउटपुट होती है। सो बेसिकली आप समझ सकते हैं, एक तरह से हम जो फाइनाइट ऑटोमेटा डिस्कस किए हैं उनकी एक एप्लीकेशन देखने वाले हैं। आइए देखते हैं कि ऑटोमेटा विद फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट किस तरह से काम करते हैं। जी, तो आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली जो हमारे पास ऑटोमेटा हैं जिनको हम कह रहे हैं कि उनकी आउटपुट होगी, वो अपने साइंटिस्ट जिन्होंने उन्हें इन्वेंट किया बनाया उनके नेम पर है। मूरे मशीन उसका नाम दिया जाता है, मिले मशीन, हम ये दो डिफरेंट साइंटिस्ट के नाम पर दो डिफरेंट मशीन हैं। फिर हम ये देखने वाले हैं कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, यानी ये दोनों एक सेम काम कर सकती हैं, और इस इक्विवेलेंस को हम अपने पुराने तरीके से जिसमें हमने मेथड प्रूफ बाय कंस्ट्रक्शन देखा था उसी तरीके से करेंगे। सो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि मूरे मशीन क्या है। मूरे मशीन बेसिकली पांच चीज़ें इसमें हमारे पास होंगी। सो एक तो सेट ऑफ स्टेट्स उसी तरह से हमारे पास होगा, जिसमें हमारे पास स्टेट्स हो सकती हैं क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, जितनी भी स्टेट्स हमारे पास आ सकती हैं, लेकिन फाइनाइट होगी ऑब्वियसली, तो हमारे पास फाइनाइट स्टेट्स होगी। और फिर हम उसमें इनिशियल स्टेट कौन सी है उसको पर्टिकुलरली डिफाइन कर देंगे कि जनाब इनिशियल स्टेट हमारे पास कौन सी है, लेट्स से क्यू नॉट उसका हम नाम दिया करेंगे। फिर इसमें हमारे पास सेट ऑफ अल्फाबेट होगा, ये सेट है अल्फाबेट का जिसमें हमारे पास सिंबल्स हैं, और अब हम इनको इनपुट सिंबल्स का नाम दे रहे हैं, इनको इनके जरिए हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग्स बना करेंगी। सो मशीन को जो इनपुट दी जाती है वो स्ट्रिंग्स इन्हीं अल्फाबेट्स बनेगी, ऑब्वियसली पहले भी यही होता था एफए में। फिर एन अल्फाबेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट करेक्टर्स, इसको हम गैमा सिंबल से ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स वाई जी हो सकता है या फिर कुछ जगहों पर आप 01 इस तरह से इस अडॉप्ट कर सकते हैं, 0100 समथिंग इस तरह के सिंबल्स हो सकते हैं। आई थिंक मैं 00 नहीं रखता, 012 इस तरह से सिंबल हो सकते हैं, लेकिन ये भी हमारे पास फाइनाइट सेट हुआ करता है सिंबल्स का। सो ये जेन में रखिएगा कि ये भी फाइनाइट सेट है और ये भी हमारे पास फाइनाइट सेट है सिंबल्स का, और ये सेट ऑफ स्टेट्स भी फाइनाइट सेट है। फिर इसमें हमारे पास एक ट्रांजिशन टेबल होगा, ट्रांजिशन टेबल जो है शो करेगा कि किसी एक स्टेट के ऊपर इनपुट सिंबल कुछ जो भी आए उसके अगेंस्ट आप नेक्स्ट किस स्टेट पर जाएंगे, जो कि हमेशा से ट्रांजिशन टेबल किया करता था। और एक और चीज़ होगी, हमारे पास एक आउटपुट टेबल बन जाया करेगा साथ, एक आउटपुट टेबल जो है वो ये शो करेगा कि हमारे पास उसमें इस सेट जो गैमा है जिसको हमने आउटपुट करेक्टर्स का सेट कहा है उसमें से कौन सा करेक्टर प्रिंट करना है। सो इसके रूल्स अभी समझते हैं। तो इसका पांच चीज़ें हो गई हमारे पास, सेट ऑफ स्टेट्स हो गया, फिर इनपुट स्ट्रिंग्स हो गई, इनपुट सिंबल्स हो गए, आउटपुट सिंबल्स हो गए, फिर एक ट्रांजिशन टेबल हो गया जो स्टेट्स का बता रहा है कि नेक्स्ट किस इनपुट सिंबल पर किस स्टेट पर जाना है, और फिर एक हमारे पास आउटपुट टेबल हो गया जो बता रहा है कि क्या आउटपुट प्रिंट करनी है, और आउटपुट आउटपुट करेक्टर्स के इस सेट में से गैमा में से होगी। देखते हैं अभी हम अपनी एक अच्छा सबसे नेक्स्ट आगे जाने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप ने जो डीएफए या एफए जो पीछे हमने पढ़े थे उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस अभी से नोट कर लें। तो सबसे पहले ये है कि इसमें फाइनल स्टेट कोई नहीं है। फाइनल स्टेट नहीं होने का मतलब ये है कि इससे हम ये बात भी समझ सकते हैं कि कोई स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं होगी। सो इसका मतलब एक और चीज़ ये समझ लीजिए कि जो मूरे मशीन्स हैं दे आर नॉट लैंग्वेज रिकॉग्नाइजर, ये लैंग्वेज रिकॉग्नाइजर के तौर पर यूज़ नहीं करते, इनका इस्तेमाल डिफरेंट है, यानी हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये आउटपुट देगी, जब भी कोई इनपुट स्ट्रिंग आ जाएगी तो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ ये आउटपुट दे देगी। सो देखिए कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेट क्यू है जिसमें ये चार स्टेट्स हैं, इनिशियल स्टेट मैंने डेजिग्नेट कर दी, इनपुट अल्फाबेट ए बी है और आउटपुट अल्फाबेट जो है वो मेरे पास 01 है, और लेट्स से मेरे पास ये एक टेबल है, इसका ये पोर्शन जो है ये ट्रांजिशन टेबल के तौर पर मैंने बनाया कि इसमें ट्रांजिशन टेबल है, ये पोर्शन जो है
कि आप किस स्टेट पर रह के क्या कंज्यूम करके कहाँ पर जाएंगे, और ये जो मैंने बनाया है ये आउटपुट टेबल, इसको आप कह सकते हैं कि ये आउटपुट टेबल है। और ये सब कुछ क्या बताया जा रहा है इसमें, इस होल्ड स्टेट को लिखा है, मैं इसकी अभी थोड़ी देर में वजाहत कर देता हूँ, लेकिन इसके अगेंस्ट मशीन कैसे बनेगी हम उसे देख लेते हैं। तो ये आपके सामने मैंने इसके अगेंस्ट एक मशीन भी बना दी है कि क्यू नॉट से मैं इस क्यू नॉट पे, आप देखिए कि इस क्यू नॉट का आउटपुट सिंबल जो है वो क्या था, 1। हम इस स्टेट के अंदर यहाँ पर स्लैश लगा के वो 1 लिख रहे हैं। सो इस तरह से मैं एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्यू नॉट पे 1 आउटपुट देनी है तो ये 1 लिख दिया मैंने। इसी तरह से क्यू 1 पे मैंने 0 आउटपुट देनी है तो क्यू 1 के साथ मैंने स्लैश लगा के 0 लिखा। क्यू 2 पे मैं चाहता हूँ फिर 0 आउटपुट रहे तो क्यू 2 पे स्लैश लगा के 0। क्यू 3 पे मैं स्लैश लगा के 1 लिख दिया। सो ये यहाँ पर स्टेट के अंदर के प्रिंट क्या करना है वो हमने लिख दिया। फिर उसके बाद बाकी ट्रांजिशन टेबल को आप समझते ही हैं कि क्यू नॉट पे ए कंज्यूम करके क्यू 1 पे जाना है, क्यू नॉट पे बी कंज्यूम करके क्यू 3 पे जाना है। तो इस ये ट्रांजिशन टेबल उसी तरह से जैसे आप जानते हैं कि कैसे काम करता है। अब इस पे मैं ट्रेस करता हूँ, एक लेटर मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ओवर अल्फाबेट ए बी, लेट्स से ए बी स्ट्रिंग है। और अब इस गौर कीजिएगा कि ये स्ट्रिंग कैसे मैं ट्रेस करता हूँ इस पे। जी अब हम इस मशीन की वर्किंग को समझते हैं। सबसे पहले मशीन की वर्किंग को समझने के लिए एक बात तो आप ये ज़हन में रखिए कि हमारे पास लिटरेचर में 2 तरीके हैं इसको ऑपरेशंस को समझने के लिए। एक तरीका तो ये कहता है कि जब आप किसी स्टेट में एंटर होंगे तो एंटर होते हैं फिर आप जो लेटर आपको स्टेट पे मिलता है वो प्रिंट करेंगे कि मसलन मैं आप क्यू नॉट से अगर क्यू 1 पे आया हूँ तो अब मुझे 0 मिलेगा तो मैं वो प्रिंट कर दूंगा। और दूसरा तरीका हमारा एक ये है कि आप स्टार्ट पे इनिशियल पे हैं, आप इनिशियल स्टेट पे जैसे ही आप अभी कुछ भी कंज्यूम नहीं करेंगे लेकिन आप इनिशियल स्टेट पे हैं तो इसकी प्रिंट देंगे। फिर जैसे ही किसी और स्टेट में आप जाएंगे और जहां पहुंचेंगे उसको भी प्रिंट करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जिस स्टेट पे जाएंगे आप उसको प्रिंट करेंगे। यानी इस दूसरे तरीके में आप नंबर ऑफ स्टेट्स, अगर ये फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये एक स्ट्रिंग कंज्यूम करनी है तो बेसिकली 2 स्टेट्स में विजिट कर चुका हूँगा। तो ये दूसरा तरीका जो है ये नंबर ऑफ स्टेट्स के कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स जो है मैंने विजिट की है उसके इक्वल आउटपुट जनरेट करता है। यानी आउटपुट स्ट्रिंग की लेंथ जो होती है वो इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट्स होती है जो मैंने विजिट की है। सो मैं कह देता हूँ कि लेंथ ऑफ आउटपुट स्ट्रिंग लेंथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट्स विजिटेड, कि जितनी स्टेट विजिट करनी है। सो एक स्ट्रिंग की लेंथ, एक भी अगर लेंथ की स्ट्रिंग मेरे पास होगी तो उसको ट्रेस करने के लिए ऑब्वियसली 2 स्टेट्स, एक जहाँ इनिशियल है और एक जहाँ पर आप पहुँचे, 2 स्टेट्स तो विजिट होंगी, तो इसका मतलब 2 आउटपुट मिल जाएंगी। जबकि ये जो पहला तरीका था ये आपको जब जितने आपके इन लेंथ ऑफ इनपुट होती है उतनी ही लेंथ ऑफ आउटपुट देती है। सो हम दूसरे तरीके को अडॉप्ट कर रहे हैं। दूसरे तरीके के मुताबिक हम देखते हैं कि स्ट्रिंग ए बी के अगेंस्ट क्या प्रिंट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आप इनिशियल स्टार्ट पे हैं लेदर 1 तो आप प्रिंट कर ही देंगे, 1 आपका प्रिंट हो गया। फिर ए जब कंज्यूम करेंगे तो ए कंज्यूम करके आप क्यू 1 पे जा रहे हो, क्यू 1 पे आपको सिंबल 0 मिल रहा है। फिर इसी तरह से बी को कंज्यूम करेंगे तो एक लूप लगा हुआ है, ये आप यहाँ पर देखिए बी के अगेंस्ट एक लूप यहाँ पर लगा हुआ है। सो आप दोबारा क्यू नॉट पे ही आ गए लिहाजा आपने 0 प्रिंट कर दिया। ए के अगेंस्ट अब आप क्यू 3 पे पहुंच जाएंगे तो 1 प्रिंट कर देंगे। और फिर बी के अगेंस्ट आप क्यू 3 से क्यू नॉट क्यू 2 पे चले जाएंगे और क्यू 2 पे जब जाएंगे तो 0 प्रिंट कर देंगे। सो ये आप देखिए ये इसकी लेंथ जो है इनपुट स्ट्रिंग से एक ज़्यादा है और हमेशा आउटपुट की लेंथ इनपुट से एक ज़्यादा रहेगी क्योंकि इसमें हम नंबर ऑफ स्टेट जो विजिट किए हैं उसके इक्वल आउटपुट होती है। तो नंबर ऑफ स्टेट्स आप देखें क्यू नॉट पहली स्टेट थी हमारी, फिर क्यू 1 दूसरी स्टेट थी, फिर दोबारा हम यहाँ आए क्यू 1 ही तीसरी स्टेट थी, चौथी स्टेट क्यू 3 थी और पांचवीं स्टेट हमारे पास क्यू 2 थी। सो इस तरह से हमारे पास 5 लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट हुई है।
अब मूवर मशीन की एप्लीकेशन बेसिकली क्या है, तो उसे हम समझने के लिए एक और काम करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि एक जो भी स्ट्रिंग गिवन है मैं उसमें सब स्ट्रिंग डबल ए बी को काउंट करना चाहता हूँ कि कितनी दफ़ा आ रहा है। सो कोई स्ट्रिंग ओवर अल्फाबेट ए बी समथिंग मेरे पास अवेलेबल है और मैं ये चेक कर रहा हूँ कि ए ए बी कितनी दफ़ा आया है। तो इसके लिए मैं एक मशीन बनाना चाहता हूँ, मूवर मशीन इसके लिए मैं बना सकता हूँ जो ये काम मेरे लिए बहुत आसानी से कर देगी। तरीकाकार इसका ये है कि मैं अपने इनिशियल स्टेट पे इनिशियल स्टेट फाइंड कर लेता हूँ, इस पे मेरे पास क्यू नॉट है, मैं कहता हूँ कि जीरो प्रिंट कर दे, फिर क्यू वन है उस पर भी मैं जीरो प्रिंट करवा लेता हूँ और यहाँ पर ए लिख देता हूँ, फिर दोबारा ए आने पे मैं क्यू टू पे चला जाऊँगा और इस पर भी जीरो प्रिंट करवा लेता हूँ, फिर इसके बाद मैं क्यू थ्री पे चला जाऊँगा और इस पर मैं वन प्रिंट करवा देता हूँ, बी आने पे यहाँ पर आ गया। और अगर इस पर मेरे पास बी आता है तो मैं कहता हूँ क्यू नॉट पे बी जितने मर्जी लेता रहे, फिर अगर यहाँ पर मेरे पास बी आ जाता है सो मैं इसको वापस भेज देता हूँ कि बी आने पे ये वापस आ जाए, और अगर इस जगह पे मेरे पास बी आता है डबल ए के बाद बी की तो मैंने बना ली, लेकिन अगर मेरे पास एक और ए आ जाता है तो मैं इसको यहाँ वापस ले आता हूँ कि यार एक, बल्कि मैं यहाँ पर लूप कर देता हूँ कि ए तो ये जितने मर्जी ले सकता है, यहाँ पर मैंने ए का लूप लगा दिया और बी के साथ मैं यहाँ पर आ गया। फिर इस पे इस स्टेट पे अगर मेरे पास बी ए आता है तो एक ए आने पर मैं दोबारा इसे यहाँ पर ले आता हूँ कि कम से कम अब फिर एक और ए आएगा तो फिर हम वापस फिर बी आएगा तो यहाँ पर आ जाएंगे, और अगर इस पे मेरे पास बी आ जाता है तो इसको मैं उठा के यहाँ शुरू में ले आता हूँ कि भाई यहाँ पर अब दोबारा से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सो इसके लिए आप नोट कीजिए कि जब भी मेरे पास कोई स्ट्रिंग होगी ए ए ए बी ए बी ए ए बी ए ए ए बी बी ए लेट्स से, तो इसमें अब ये डबल ए बी कितनी दफ़ा आया है ये उसके अगेंस्ट चेक कर लेगा। पहला लेटर ए जब यहाँ पर कंज्यूम होगा मैं इस जगह पर आ गया क्यू वन पे, दूसरा लेटर ए कंज्यूम हुआ मैं क्यू टू पे पहुँच गया, तीसरा ए मैं क्यू टू पे ही रहूँगा और ये बी आया तो मैं क्यू थ्री पे आ जाऊंगा और प्रिंट क्या हो जाएगा वन, यानी इसका मतलब ये हुआ जीरो था जीरो प्रिंट जीरो प्रिंट जीरो प्रिंट ये वन प्रिंट हो गया। फिर इसी तरह से जब ये ए आएगा मेरे पास मैं दोबारा से क्यू टू पे पहुंचा यहाँ पर जीरो प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद बी आया बी से मैं दोबारा क्यू नॉट पे पहुंच गया और फिर जीरो प्रिंट हुआ, फिर ए आया मेरे पास जीरो प्रिंट हुआ, दोबारा यहाँ पर मैं क्यू टू पर पहुंचा जीरो प्रिंट हुआ और इस बी के साथ मैं क्यू थ्री पर पहुंच गया तो वन प्रिंट हो गया। फिर ए आया मेरे पास, जैसे ही हमने क्यू थ्री पे ए आएगा तो क्यू वन पे पहुंच रहे हैं जीरो प्रिंट कर रहे हैं, वहां पर ए आएगा तो क्यू टू पे पहुंच जाएंगे आप जीरो प्रिंट करेंगे, वहां पर ए आएगा क्यू टू पे ही रहेंगे जीरो प्रिंट करेंगे, क्यू थ्री पे बी आएगा क्यू थ्री पे जाएंगे वन प्रिंट करेंगे, फिर बी आएगा तो आप क्यू नॉट पे पहुंच जाएंगे जीरो प्रिंट होगा, ए लेंगे आप क्यू वन पे आ जाएंगे जीरो प्रिंट होगा। सो अब ये जो स्ट्रिंग आपके पास आ चुकी है इसमें नंबर ऑफ वंस अगर आप काउंट करें तो वो आपको बता रहे हैं कि सब स्ट्रिंग ए डबल ए बी कितनी दफ़ा कर हुई है, तो आप देखते हैं कि तीन दफ़ा कर हुई है तो ये मूवर मशीन आपको बता रही है कि सब स्ट्रिंग डबल ए बी थ्री टाइम्स अकर हो चुकी है। सो इसी तरह से अब दूसरी मशीन जो हमारे पास थी वो मिलर मशीन थी, मिलर मशीन बेसिकली इसके भी पांच इसमें कलेक्शन ऑफ फाइव थिंग्स है, कुछ फोर भी करते हैं बाल फाइव थिंग्स के साथ बात कर रहे हैं, सेट क्यू जो है फिर उसी तरह से हमारे पास फाइनाइट सेट है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स यानी हमें स्टेट्स हमें गिवन है और उसमें एक हमारे पास इनिशियल स्टेट होगी। अल्फाबेट का सेट उसी तरह से जैसे मूवर मशीन में था, इनपुट अल्फाबेट और फिर आउटपुट अल्फाबेट का सेट भी हमारे पास गिवन होगा। ट्रांजिशन टेबल पहले की तरह ही हमारे पास ट्रांजिशन टेबल होगा जिसमें किसी एक स्टेट पर क्या कंज्यूम किया और कहाँ पर यानी अल्फाबेट आप नेक्स्ट की स्टेट पर जाएंगे वो यहाँ पर आ जाएगा जी। फिर इसी तरह से हमारे पास एक और आउटपुट टेबल होगा और अब ये जो आउटपुट टेबल है
इसमें भी हमारे पास, अब इसके इसको नोट कर लें, इसके इसमें हमारे पास कि हम क्यू पर किसी एक स्टेट पर होंगे और हम कोई एक सिंबल जो गिवन है हमारा बिलोंग करता है अल्फाबेट सेट से, हम उस सिंबल को कंज्यूम करेंगे, फॉर एग्जांपल कुछ भी गिवन सिंबल कंज्यूम करेंगे और लेट्स से मैं यहाँ पर सिंबल एआई कह देता हूँ जनरली, तो कंज्यूम करेंगे और फिर हमारे पास आउटपुट में यहाँ पर कोई एक सिंबल होगा जिसका ताल्लुक गामा से है, यानी हमारे पास इसमें से के आउटपुट सिंबल्स में से कोई एक सिंबल यहाँ पर होगा। सो इसको इन दोनों चीजों को अभी हम डिटेल के साथ देख लेते हैं कि आउटपुट करेक्टर्स किस तरह से प्रिंट हो रहे हैं हमारे पास और ये ट्रांजिशन टेबल तो पहले की तरह ही है। आइए देखते हैं, मेरे पास इनिशियल स्टेट ये सेट ऑफ स्टेट्स हैं, इनिशियल स्टेट मैंने डेजिग्नेट कर दिया है, इनपुट अल्फाबेट है, आउटपुट अल्फाबेट लेट्स 01 है। अब मेरे पास जो ट्रांजिशन टेबल और आउटपुट टेबल है वो मैंने यहाँ इकट्ठा बना लिया, वो देखिए Q नॉट पे मैं A लेके Q1 पे जाता हूँ, Q नॉट पे B लेके Q3, ये ट्रांजिशन टेबल हमेशा की तरह उसी तरह से है। आउटपुट टेबल ये कह रहा है कि मैं हर इनपुट सिंबल के साथ एक आउटपुट है, अगर Q नॉट पे मैंने A कंज्यूम किया है तो मैं आउटपुट प्रिंट करूंगा 0, Q नॉट पे अगर B प्रिंट कंज्यूम किया तो मैं आउटपुट करूंगा 0। सो इसी तरह Q1 पे मैंने A लिया है तो मैं आउटपुट 1 कर रहा हूँ और फिर इसी तरह से Q1 पे अगर B लिया है तो आउटपुट 1 कर रहा हूँ। सो इसको ड्रॉ कैसे करना है, इसको ड्रॉ करना भी कोई इतना इशू नहीं है, मसलन Q0 पे मैं हूँ और Q1 Q2, सो देखिए कि A लेके मैं यहाँ से Q1 पे, B लेके मैं यहाँ से Q2 पे और आई को, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपके सामने है कि मैं Q0 से A लेके Q1 पे भी जा रहा हूँ और प्रिंट क्या करना था, मैंने आउटपुट देनी थी 0 की, सो ये देखिए यहाँ पर मैंने 0 लिखा, यानी इसका मूर मशीन से फर्क ये है कि मूर मशीन में जो प्रिंट करना था वो प्रिंटिंग लेटर स्टेट के अंदर लिखा हुआ था, जबकि यहाँ पर स्टेट में नहीं बल्कि ट्रांजिशन के लेवल में का वो हिस्सा है। सो बी अगर मैं क्यू नॉट से बी कंज्यूम करता हूँ और क्यू टू पे जाता हूँ तो मैं 0 प्रिंट करता हूँ, फिर इसी तरह से क्यू वन से मैं ए कंज्यूम करके क्यू थ्री के ऊपर जा सकता हूँ, ये लट से मेरे पास क्यू थ्री है, क्यू वन से ए कंज्यूम करके मैं क्यू थ्री पे जा सकता हूँ लेकिन प्रिंट क्या करना है, मैंने 1 प्रिंट करना है। इसी तरह क्यू वन से बी लेके मैं क्यू टू पे जा सकता हूँ लेकिन प्रिंट क्या करना है, मैंने 1 प्रिंट करना है। इसी तरह से क्यू टू से ए मैं ए जा सकता हूँ क्यू थ्री पर, ए और बी दोनों चीजें लेके, सो यहाँ पर ए लेके जाऊंगा लेकिन ए लेके जाऊंगा तो क्या प्रिंट करना है, 0, और बी लेके जाऊंगा तो क्या प्रिंट करना है, मैंने 1। सो मैंने ये इस तरह से लिख दिया, ठीक हो गया। सो इसी तरह से क्यू थ्री पर मेरे पास है लूप है और लूप में है कि ए लेके मैं 1 प्रिंट करूंगा और लूप में रहूंगा, और फिर इसी तरह से क्यू थ्री पर मेरे पास बी लेके मैं वापस आ सकता हूँ कहाँ पर, Q0 पर, और B लेके मैं Q0 पर आ गया और प्रिंट क्या करना है, मैंने 1। सो ये मेरे पास मिले मशीन तैयार हो गई है। ये मिले मशीन तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमने हर स्ट्रिंग जो हमारे पास ट्रांजिशन है उसमें लेबल के साथ आउटपुट क्या करना है वो लिखा हुआ है, और इसमें भी ऑब्वियसली कोई एक्सेप्टिंग स्टेट नहीं है क्योंकि ये भी कोई एक्सेप्टर लैंग्वेज रिकॉग्नाइजर नहीं है, ये सिंपल हमारे पास इसकी एप्लीकेशन देखेंगे लेकिन अभी इसकी वर्किंग को समझते हैं कि ऑपरेट कैसे करेगी। कोई एक स्ट्रिंग पास करके देख लेते हैं कि इस पे स्ट्रिंग पास करेंगे तो क्या प्रिंट होता है, मसलन डबल ए बी को अगर मैं पास करना चाहूँ तो स्टार्ट करते हैं क्यू नॉट से, डबल ए बी ए के लेंगे तो आउटपुट देखें, हम ए के लेके चले कहाँ जाएंगे, क्यू वन पे, और आउटपुट मेरे पास क्या आ जाएगी, 0। फिर उसके बाद Q1 पे A लेके मैं Q3 पे जाऊंगा और आउटपुट क्या आ जाएगी मेरे पास, 1। फिर Q3 पे A लेके मैं Q3 पे जाऊंगा, आउटपुट 1। फिर Q3 पे B लेके मेरा पाथ Q0 पे आ रहा है और आउटपुट 1 दे रहा है। फिर Q0 पे B लेके 0 आउटपुट देके मैं Q3 पे आ जाऊंगा। इसमें लेंथ ऑफ आउटपुट जो है वो उतनी ही है जितनी की लेंथ ऑफ इनपुट स्ट्रिंग थी, और आप क्योंकि हमने उतने ही एजेस ट्रैवर्स किए हैं।
और ये सिंपल आउटपुट हमारे पास आ चुकी है। एक सादा सी और एग्जांपल मैं मेले मशीन की देना चाहता हूँ, ये सिंपल एक कम्प्लीमेंट लेने के लिए, यानी हमारे पास बिट स्ट्रिंग हो उसका कम्प्लीमेंट लेना कैसे लेंगे, यानी आपके पास बस 1010111 एक इनपुट स्ट्रिंग है, मैं अगर इधर से इसे कंज्यूम करना शुरू करूँ तो अब देखिए कि इसमें जब पहली लेटर आएगा 1 तो उसके अगेंस्ट ये क्या प्रिंट कर रही है, 0 प्रिंट कर रहा है। सो 1 के अगेंस्ट इसने 0 प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेटर आया तो यानी अब ये वाला 1 मैंने इस तरफ से प्रिंट इसको कंज्यूम करना शुरू कर दिया है। वैसे कोई इशू नहीं, आप चाहें तो इस तरफ से कंज्यूम कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी मर्जी है इस पर। सो ये 1 आएगा तो 0 प्रिंट हो जाएगा, ये नेक्स्ट 1 आएगा 0 प्रिंट हो जाएगा, 0 आएगा 1 प्रिंट, 1 आएगा 0 प्रिंट, 1 आएगा 0 आएगा 1 प्रिंट और 1 आएगा 0, और ये उसका कम्प्लीमेंट तैयार हो गया। फिर इसी तरह से मिले मशीन की एक और एग्जांपल जो है वो इंक्रीमेंटर मशीन भी है, यानी ये भी कोई आपके पास आप इसको इनपुट दें तो ये उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर देगी। हम फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल अगर सिंगल लेंथ स्ट्रिंग ही इनपुट में दे दूं तो इसमें इंक्रीमेंट करके इसे चाहिए कि ये आउटपुट में मुझे क्या दे दे, 1 दे दे। सो देखिए ये आउटपुट इसी तरह से 1 प्रिंट करता है। जब मैं स्टार्ट स्टेट पे हूँ 0 लूंगा, प्रिंट क्या किया इसने, आउटपुट क्या दी इसने, 1 प्रिंट किया। आउटपुट 1 दे के मैं यहाँ पर इस स्टेट में आ गया, स्ट्रिंग मेरी एंड हो गई और आउटपुट मेरे पास क्या आ चुकी है, 1 आ चुकी है। तो पहले अगर 0 था इनपुट तो अब क्या मिल गया मुझे, 1 मिल गया। ओके अगर मेरे पास डबल लेंथ की स्ट्रिंग हो, यानी मेरे पास लेट्स से इनपुट में 0 आए, तो फिर मैं किस तरह से करूँगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अब इसके कुछ और फीचर्स यानी आपको बताता हूँ। ये जो नो कैरी स्टेट एक मैंने बनाई है और एक ऑफ कैरी बनाई हुई है, इट्स मीन कि इसमें कैरी आएगा और वो कैरी बहरहाल अगर मेरे पास 2 बिट्स की हैं इनपुट तो आउटपुट जो है वो भी मैं 2 बिट्स के साथ ही लूँगा। और आप समझ सकते हैं कि जब इनपुट 1 होनी चाहिए तो होगा, इसमें 1 इंक्रीमेंट करें तो आउटपुट जो जनरेट होनी चाहिए वो 100 जनरेट होगी, लेकिन क्योंकि हमारी मशीन जो है वो 2 बिट के साथ काम कर रही होगी तो ये जो 1 है ये इस वक्त एंड यहाँ पर होना चाहिए, कि जो ये बता रहा होगा कि 1 कैरी आ चुका है इसमें और बाहर आउटपुट 00 प्रिंट हुई होगी। ठीक है, एग्जांपल के साथ बात करते हैं। फॉर एग्जांपल 00 के साथ नेक्स्ट जो प्रिंट होना चाहिए वो क्या आउटपुट आनी चाहिए, यानी एक इंक्रीमेंट के बाद 01 आना चाहिए। सो हम इस तरफ से यूनिट डिजिट की तरफ से इनपुट देते हैं और यूनिट की तरफ से ही हमारे पास आउटपुट आनी शुरू हो जाएगी। सो ये 0 हमारे पास इनपुट में गया, इसने प्रिंट किया 1 और ये 1 प्रिंट हो गया और इस वक्त आप नो कैरी स्टेट में है। फिर उसके बाद अगली स्ट्रिंग आपको मिल गई, अगली सिंबल मिला वो भी 0 है, तो इस नो कैरी स्टेट में 0 के अगेंस्ट क्या प्रिंट हो रहा है आपके पास, 0 ही प्रिंट हो रहा है, 1 के अगेंस्ट 1 प्रिंट होगा और 0 के अगेंस्ट 0। ओके सो 0 के अगेंस्ट आपके पास 0 ही प्रिंट हुआ, अब अगर यानी आपके पास 0 था तो 0 ही प्रिंट हो गया। सो अब आपकी स्ट्रिंग एंड हो गई और एट द एंड आपके पास 01 आ गया। लेट्स से अब हम 01 एज इनपुट इसे देते हैं कि मैंने इसको इनपुट में दिया 01, तो इसको आउटपुट में मुझे क्या जनरेट करके देना चाहिए, नेक्स्ट 10 इसके आउटपुट में देना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए ये 1 मसन मेरे पास इनपुट में गया, तो 1 इनपुट में जाएगा तो मैं यहाँ पर इस स्टेट पे आ जाऊँगा, ये कहती है कि 1 आउटपुट साथ क्या मैं देके आऊंगा 0। फिर उसके बाद अब उसके बाद मेरे पास क्या आया 0, यानी नेक्स्ट सिंबल 0 आया तो ये स्टेट पे मुझे भेज दिया और 0 की जगह उसने प्रिंट क्या किया जाते हुए 1। सो ये मेरे पास स्ट्रिंग एंड हो गई और ये प्रिंट हो गया। अब एक और स्टेप देखिए इसे कि अब मेरे पास अगर लेट्स से 10 इनपुट में आ जाए तो 10 के अगेंस्ट ये आउटपुट में क्या दे रहा है मुझे, होना क्या चाहिए, 11 आना चाहिए, देखिए क्या देता है ये कि नहीं। सो 0 इनपुट लिया, आप 1 प्रिंट करके कहाँ पर चले गए, नो कैरी स्टेट में। फिर यहाँ पर आपके पास 1 था और 1 ही प्रिंट करना था, ठीक है, 1 के अगेंस्ट 1 प्रिंट करना है,
तो यहाँ पर इसने 1 प्रिंट कर दिया, इट्स ओके अब भी ठीक है। अब 1-1 के अगेंस्ट, ये वो पॉइंट था जो मैं आपको बता रहा था कि जब आपके पास ये स्टेट आ जाएगी आपकी, क्योंकि इनपुट 2 डिजिट की है तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि आउटपुट भी 2 डिजिट की होगी, और अगर कैरी बचता हुआ तो बहरहाल ये बताएगा कि ये इस स्टेट पे एंड हो रहा होगा और ये स्टेट कैरी होगी, यकीनन कि कोई कैरी चीज आई है, इसलिए मैंने इसका नाम कैरी लिख दिया कि यकीनन कुछ कैरी था जो बहरहाल प्रिंट नहीं होगा। सो 1 लेके हम 0 प्रिंट करेंगे और 0 प्रिंट करके ऑफ कैरी स्टेट पे आ गए, फिर यहाँ पर मेरे पास 1 है, 0 प्रिंट करूंगा और ऑफ कैरी स्टेट पे ही रहूंगा। सो यहाँ पर मेरे पास एंड हो गया, और ये इस स्टेट पे एंड का मतलब ये है कि यकीनन कुछ मेरे पास 1 कैरी के तौर पर आगे मजीद आ रहा है, क्लियर हो गया। सो ये नेमिंग नो कैरी का मतलब, आगे इस स्टेट पे एंड होने का मतलब कैरी कुछ नहीं है हमारे पास, इस स्टेट पे एंड होने का मतलब ये होगा कि कैरी कुछ है एंड आ रहा है, और यही चीजें थी कि हम इसको यूनिट डिजिट की साइड से इनपुट देना शुरू करेंगे और प्रिंट करना भी यूनिट डिजिट की साइड से करेंगे। अब मिले मशीन की एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, उसको हम देखते हैं और थोड़ी तवज्जो चाहिए होगी थोड़ी, इसमें हम मिले मशीन को सिक्वेंशियल सर्किट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे। सिक्वेंशियल सर्किट यानी जिसमें इनपुट प्रीवियस आउटपुट पे बस डिपेंड कर रही होती है। हमारे पास ये मैंने कुछ मसलन एक सर्किट ड्रॉ किया हुआ है जिसमें नैंड है, नैंड गेट, सिंपल इसका मतलब है नॉट एंड, यानी अगर दो ऑपरेशन 0-0 करके एंड जो है इसके रिजल्ट हमें 0 देता है, लेकिन नैंड जो है वो इसका रिजल्ट क्या देगा हमें, नैंड इसका रिजल्ट 1 देगा। यानी अगर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं एक्स वाई और उनकी वैल्यू 0-0 है तो ये आंसर 1 आएगा। सो यानी ये टोटल नैंड जो है वो एंड का क्या होता है, उलट होगा। फिर एंड आई थिंक आई ज्यूम क्या आपको मालूम है, डिले सिंपल सेम प्रीवियस जो इनपुट थी वही हमें आउटपुट में देगा, यानी अगर पीछे इसके यूनरी ऑपरेटर है यानी इसमें सिंपल एक इनपुट आएगी, अगर 0 आया है तो 0 ही देगा, बस जस्ट 1 क्लॉक टिक जो है वो डिले के साथ देगा। सो अब इस सर्किट को देखते हुए, इस सर्किट को समझने के लिए हम दो कुछ चीजें क्लियर कर लेते हैं। लेट्स से मैं इन दो पॉइंट्स के बारे में जानना चाहता हूं कि इन दो पॉइंट्स की क्या स्टेट रहेगी हर वक्त इस सर्किट में जब करंट आएगा। अब दो सूरतें हो सकती हैं कि यहाँ पॉइंट यानी ए और बी को हम देखना चाहते हैं। सो मैं समझ सकता हूँ कि हो सकता है ए पे कोई करंट ना हो, बी पे भी कोई करंट ना हो किसी एक टाइम पे, हो सकता है कि ए में करंट ना हो बी पे करंट हो सकता है बी ए पे करंट हो बी पे ना हो, और बी पे करंट हो और ए पे भी करंट हो और बी पे भी करंट हो। तो ये चार ही पॉसिबल स्टेट्स करंट है या नहीं है, इसकी बेस पर मेरे पास ये चार पॉसिबल स्टेट्स बन सकती हैं इन दो पॉइंट्स की। और अगर कोई तीसरा पॉइंट भी ऑब्जर्वेशन में लेके आना होता तो फिर हम वो सी भी ऐड करते हैं, और उसके अगेंस्ट भी आपको मालूम है कि किस तरह से ये ट्रिपल बनाया जा सकता है। मैं इस स्टेट को डिफाइन कर रहा हूँ कि क्यू नॉट जो है वो बेसिकली किस स्टेट का नाम है जब ए और बी दोनों में करंट नहीं है। क्यू वन उस स्टेट का नाम है जब ए और ए पे करंट नहीं है और बी पे करंट है। क्यू टू स्टेट का नाम है जिसको, यानी ये मेरे सर्किट की स्टेट है, सर्किट स्टेट इसको कह सकता हूँ कि ये मैंने सर्किट की अपनी स्टेट बनाई हुई है इन दो पॉइंट पे ए और बी के लिहाज से। तो मेरे पास 4 पॉसिबल स्टेट्स बन गई हैं। ओके, अब ये सर्किट किस तरह से ऑपरेट कर रहा है इसको देखते हैं। यहाँ पर बी की वैल्यू जो है बेसिकली ए की जो ओल्ड वैल्यू है, यानी अगर मैंने बी को देखना है कि बी की नई वैल्यू क्या बन रही है, तो ये सर्किट कह रहा है कि सिंपल ए की जो वैल्यू है वो इसको मैं ओल्ड वैल्यू कहूंगा क्योंकि ये डिले के साथ इसमें आएगी तो वो बी की वैल्यू बन जाएगी। सो इन न्यू बी जो है वो मैं कह रहा हूँ ओल्ड ए है, कि सिंपल जो पुराना ए था वो अब बी की नई वैल्यू है। बस एक और क्लियर करने के लिए फॉर एग्जांपल ए को देखते हैं कि ए की वैल्यू कैसे बन रही है, ए में क्या हो गया, ए स्टेट कैसे डिफाइन की जा सकती है। आप देखें तो इसमें जो यहाँ पर नैंड से आ रहा है वो ए को डिफाइन कर रहा है, लेकिन नैंड इटसेल्फ किन दो चीजों के दरमियान है, आप नोट करें कि एंड नैंड जो हो रहा है वो एक इनपुट आ रही है यहाँ से और एक
कुछ इन्फॉर्मेशन इधर और गेट से आ रही है, सो इनके दरमियान नैंड हो रहा है। सो नैंड जो है वो बेसिकली ये और दूसरी एक और यानी इनपुट और एक और जो और से आउटपुट आ रही है। लेकिन अब और से आउटपुट क्या आ रही है उसको भी साथ डिफाइन कर लें कि और से आउटपुट कैसे आ रही है, कि जो आपके पास ओल्ड ए है और ओल्ड बी है ये दोनों आपके पास और हो रहे हैं और फिर उसके बाद आपको इस और की आउटपुट जो है नैंड में जा रही है। सो ये मेरे पास मैंने एक्सप्लेन किया कि आपके पास और को हमने कैसे डिफाइन कर लिया कि और जो है वो ओल्ड ए और ओल्ड बी के दरमियान है। सो ये सर्किट ये कह रहा है कि इस वक्त ए को अगर आपने डिफाइन या चेक करना है कि ए में क्या आएगा, तो उसके लिए पहले ए की पुरानी वैल्यू बी की वैल्यू इनका और होना चाहिए, फिर उसको नैंड करना है इनपुट के साथ और नैंड करके फिर जो कुछ आपके पास आएगा वो असल में ए की वैल्यू होगी। इसी तरह से अगर मेरे पास ये फाइनल इसकी आउटपुट भी चेक करनी हो कि जी आउटपुट पे क्या आ रहा है, तो आउटपुट को समझने के लिए आप देख सकते हैं कि आउटपुट जनरेट हो रही है और से। लेकिन अब ये और किन दो चीजों के दरमियान है, ये और अगर आप गौर करें तो और आपको नजर आएगा कि एक ये बी से जो कुछ आ रहा है और फिर इनपुट जो आ रही है यानी ओल्ड बी और इनपुट ये दोनों मिलके और कर रहे हैं। सो हमने और को डिफाइन किया कि ओल्ड बी और इनपुट ये दो मिलके और कर रहे हैं और इनसे मिलके आपके पास आउटपुट आ रही है। सो ये सबसे पहले आपको जब भी एक सर्किट गिवन होगा पहले आपको कुछ स्टेट्स डिफाइन करनी है, कितनी पॉसिबल स्टेट्स हैं आपके पास, और फिर दूसरे नंबर पे आपको सर्किट के ऑपरेशंस लिखने हैं कि उस सर्किट ने उन पॉइंट्स पे यानी आपके ए बी और आउटपुट अगर आप जानना चाह रहे हैं तो उस कैसे वो डिफाइन हो रही है। इसी तरह अगर कोई पॉइंट सी होता तो हम उसको भी देखते कि वो पॉइंट सी जो है वो कैसे डिफाइन हो रहा है। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी और अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास मैं स्टार्ट करूंगा कि फॉर एग्जांपल हम क्यू स्टेट पे हूं और मेरे पास इनपुट जो है वो जीरो आ जाए, ठीक है नहीं, हम क्यू नॉट स्टेट पे हैं और इनपुट मेरे पास क्या आ रही है, जीरो आ रही है। सो ये टेबल आगे बताना शुरू करेगा और क्यू नॉट स्टेट का मतलब ए की ओल्ड वैल्यू और बी की ओल्ड वैल्यू क्या है, इस वक्त जीरो है, ये हमें यहां से मिल रहा है। सो ये टेबल कहता है कि न्यू बी जो है न्यू बी वो ओल्ड ए के बराबर था, ओल्ड ए इस वक्त जीरो है तो इसलिए न्यू बी भी मेरे पास जीरो हुआ। फिर न्यू ए जो है वो न्यू ए आपके पास यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, जिसमें इनपुट इस वक्त क्या है हमारे पास, इनपुट हमने डिफाइन की जीरो है। फिर उसके बाद हमने कहा नैंड करना है, किसके दरमियान नैंड करना है, नैंड होगा ओल्ड ए, ओल्ड ए भी इस वक्त जीरो है हमारे पास, और होगा किसके साथ, ओल्ड बी के साथ, और ओल्ड बी की वैल्यू भी इस वक्त जीरो है। ये हमारे पास ए और बी की ओल्ड वैल्यूज यहाँ से आ रही हैं, क्योंकि हमने अपने आप को एज्यूम किया है कि हम कहाँ पर हैं, इन क्यू नॉट, और क्यू नॉट पर होने का मतलब कि ए और बी की वैल्यू जीरो जीरो है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जीरो और दोनों का जीरो हुआ, ये इन दोनों को नैंड कर लें, नैंड करने का मतलब एंड करने से इन दोनों पे जीरो आता है लेकिन नैंड करने से अब आपके पास वन आ जाएगा। तो न्यू बी जो है वो आपके पास जीरो है और न्यू ए जो है वो आपके पास वन आ गया है। सो ये मिला के अगर न्यू बी और न्यू ए को देखें यानी ए और बी की वैल्यू कि ए आपके पास वन हो और बी जीरो हो, तो इसका मतलब ये कि आप बेसिकली इस वक्त किस स्टेट पे जा चुके हैं, आप ए वन बी जीरो क्यू पे, यानी ये आपका नई स्टेट अगर बनेगी जीरो इनपुट आने पे तो क्यू टू बनेगी। और आउटपुट भी साथ डिफाइन करनी है कि आउटपुट क्या आएगी इस वक्त, आउटपुट जो आपके पास आएगी वो इनपुट यानी जीरो थी और होगा इसका ओल्ड बी के साथ, तो ये आउटपुट आपके पास जीरो ही आएगी। सो इसका मतलब ये हुआ, मैं बेसिकली यहाँ पर साथ आपको बताता हूँ, फिर बाद में फाइनली ड्रॉ भी कर लेंगे अभी आइडिया देने के लिए, कि बेसिकली हमने ये तय कर लिया कि वो नॉट पे जीरो जब मेरे पास आएगा तो आउटपुट क्या देनी है मैंने, यानी जीरो इनपुट पे, आउटपुट मैं क्या दूंगा, जाऊंगा किस स्टेट पे, मैं क्यू टू पे जाऊंगा, और आउटपुट मैं क्या दूंगा, आउटपुट मैं दे दूंगा आउटपुट जीरो आई है मेरे पास, ठीक है, आउटपुट जीरो आई है। सो मैंने आउटपुट भी बता दी और न्यू स्टेट भी बता दी, न्यू स्टेट, ये न्यू स्टेट है,
और ये कब मैंने बताया, जब मेरे पास इनपुट जीरो को मैं देख रहा था कि इनपुट क्या है मेरे पास जीरो। इसी तरह से मैं यहाँ पर एक क्यू नॉट के लिए इनपुट वन के साथ भी बताना चाहूंगा कि इनपुट अगर वन है तो फिर मेरे पास क्या होगा, यानी न्यू स्टेट मेरी क्या होगी, न्यू स्टेट क्या होगी और उसके अलावा आउटपुट क्या होगी। तो अगर आप देखें सो हम देख लेते हैं, अब मेरे पास यानी इनपुट जो है वो क्या है, मैं स्टेट किस में हूँ इन क्यू नॉट, और इनपुट क्या है मेरे पास, इनपुट मेरे पास वन है। तो न्यू बी अगर मैंने डिफाइन करना है, अब स्टेट क्योंकि क्यू नॉट है लिहाजा न्यू बी जो है वो तो फिर जीरो ही होगा, क्योंकि अभी भी मेरे पास जीरो जीरो जो है वो ओल्ड स्टेट के तौर पर मौजूद है। और न्यू ए क्या होगा, न्यू ए सिंपली इनपुट जो है वो मेरे पास वन आ गई है, बाकी यहाँ पर ओल्ड ए की जगह पर भी मेरे पास जीरो है, इसकी जगह भी जीरो है, इन्होंने और करके जीरो प्रोड्यूस किया, एंड जो है एक एक जीरो होने पर एंड जीरो ही प्रोड्यूस करता है लेकिन एंड वन प्रोड्यूस कर देगा, सो ये वन आ जाएगा। आप इसे करके देख लें, ये जीरो आ जाएगा अल्टीमेट, ये जीरो आएगा और वन और जीरो का नैंड जो है वो वहाँ पे वन नहीं आता है। आउटपुट की बात कर लें, इनपुट वन है, इनपुट अभी वन आई है और ओल्ड भी जो है वो जीरो है, इनका जब और करेंगे तो आपके पास आउटपुट वन जनरेट हो जाएगी। सो आउटपुट अब आपके पास वन आ गई है। ये जीरो वन वही पुरानी वाली सूरत हाल थी, यानी स्टेट क्यू टू ही है, क्यू नॉट पे आप वन इनपुट आएगी तब भी आप क्यू टू पे जाएंगे, लेकिन आउटपुट उस वक्त आप क्या देंगे, आउटपुट अब आप वन देंगे। सो आउटपुट पहले से चेंज हो गई आपकी, क्लियर हुआ ये। सो इसी तरह से अभी हमने क्यू नॉट का देखा, ये दो चीजें हमारे सामने आ गई थी। अब हम क्यू वन के ऊपर बात करते हैं, क्यू वन के लिए अगर मैं बात करूं कि यानी स्टेट मेरी क्यू वन है और क्यू वन और इनपुट जो है वो इनपुट मेरे पास जीरो आ जाए, क्यू वन स्टेट, यानी अब मैं इस स्टेट पे क्यू वन स्टेट पे बात हो रही है। सो इसका मतलब है बी को डिफाइन करना है, न्यू बी जो है वो ओल्ड ए है, ओल्ड ए जीरो ही है, सो इट्स मीन के ये अभी मेरे पास जीरो ही आ गया, न्यू बी जो है वो तो जीरो ही आ गया। और इसको डिफाइन करना है, इनपुट अभी मेरे पास जीरो आई है जबकि ओल्ड ए मेरे पास जीरो है और ओल्ड बी जो है वो मेरे पास वन है, ये और होके मेरे पास सीधा से वन आ गया एंड के पास, लेकिन नैंड के पास, लेकिन वन और जीरो का नैंड अभी पहले भी देखा वो वन होता है, तो न्यू ए जो है वो मेरे पास वन आ गया। अब इनपुट जो है वो मेरे पास जीरो है और ओल्ड बी वन है, इनके दरमियान और हुआ तो भी मेरे पास आउटपुट जो है वो मेरे पास आउटपुट वन आ गई। सो हम इसको भी अपने उस टेबल में इंक्लूड कर लेंगे जिस तरह भी मैंने आपके सामने वजाहत की थी। अब फिर हम देखते हैं कि हमारे पास क्यू वन ही हो और इनपुट जो है वो मेरे पास वन आ जाए, तब क्या होगा, न्यू बी किस तरह से, अब क्यू वन स्टेट ही है तो ओल्ड ए काम आएगा, ओल्ड ए में जीरो था तो न्यू बी भी जीरो है, और न्यू ए क्या आएगा मेरे पास, गौर कीजिए अब मेरे पास ओल्ड ए में जीरो ही है, ओल्ड बी वन ही है, इसने वन जनरेट किया यहाँ पर, लेकिन आउटपुट अब जीरो नहीं है, अब आउटपुट मेरे पास वन है, सो यहाँ पर मेरे पास वन जनरेट हो गया, तो वन और वन का एंड करें तो वन आता है लेकिन एंड करेंगे तो ये जीरो आ गया। और आउटपुट की बात करें तो आउटपुट जो है वो अब ये वन है और ओल्ड बी जो है वो क्या था वन, तो आउटपुट भी वन आ गई। सो ये इस वक्त जो है कि ये कौन सी नई स्टेट बनी है, अगर आप नोट करते हैं तो ये मेरे पास क्यू नॉट स्टेट बन गई। सो क्यू वन से जीरो लेके आप क्यू टू, ये स्टेट जो थी ये स्टेट मेरे पास क्यू टू ही थी, क्यू टू पे ही रहते हैं, आउटपुट में बन देते हैं, और क्यू वन से आप क्यू नॉट पे चले जाते हैं। सो इसको भी ये स्टेट क्यू टू ही है और ये मेरे पास स्टेट क्यू नॉट आ गई, और आउटपुट इसमें वन है, इसमें भी आउटपुट वन है।
इसी तरह से अब आप समझ सकते हैं कि मुझे मैं सिंपल इसको वाइंड अप करता हूँ Q3 के लिए भी इसी तरह से मैं चेक करूंगा Q2 के लिए और Q2 के पे इनपुट 0 के साथ, Q2 पे इनपुट 1 के साथ, फिर Q3 पे इनपुट 0 के साथ, Q3 पे इनपुट 1 के साथ, और ये सारा कुछ फाइनली मैं एक टेबल के अंदर लिख सकता हूँ जो मैं अभी बना रहा था कि किस तरह से आप ये टेबल बना सकते हैं, आपके पास न्यू स्टेट्स क्या आ रही हैं और आउटपुट क्या आ रही है, न्यू स्टेट क्या आ रही हैं और आउटपुट क्या आ रही हैं, और फिर फाइनली इनके अगेंस्ट अब आप एक क्यू नॉट आपके पास स्टेट है, क्यू वन है, देखते हैं क्यू नॉट है और क्यू टू है, ये कह रहा है कि आप जीरो लेंगे या वन लेंगे दोनों सूरतों में, अच्छा ऐसा नहीं, इनपुट आपके पास क्या आएगी जीरो, तो आउटपुट आप क्या देंगे जीरो, इसी तरह से इनपुट आपके पास आएगी वन तो आउटपुट क्या देंगे आप वन, और जाएंगे कहां पर दोनों सूरतों में क्यू नॉट पे जाएंगे, क्यू टू पे जाएंगे, फिर इसी तरह से क्यू वन से आप क्यू टू पे जा रहे हैं और क्यू वन से क्यू टू पे जाते हुए आपके पास इनपुट जीरो और आउटपुट आपने क्या दी है वन, ये बता रहा है इनपुट जीरो आउटपुट वन, Q1 से 1 के बाद आप Q0 पे जा रहे हैं, यानी ये एरो इस तरफ आएगा, यानी Q1 से 0 कंज्यूम करके आप Q1 पे 1 अगर आपके पास आ रहा है तो आप Q0 पे जा रहे हैं और आउटपुट पे भी क्या दे रहे हैं आप 1 दे रहे हैं, ठीक हो गया जी। फिर इसी तरह से Q2 पे देखते हैं कि Q2 से आप Q3 पे मूव कर सकते हैं, Q3 बना लेते हैं यहाँ पर हम, और Q2 से Q3 पे मूव करेंगे जीरो इनपुट, ये जीरो इनपुट और आउटपुट भी क्या है हमारे पास जीरो है, फिर इसी तरह से Q3 से आप अभी Q2 देख रहे हैं, Q2 से आप Q1 पे चले जाएंगे, यानी हमारे पास ये एग्जिस्ट करता है और वन इनपुट आएगी वन आउटपुट देंगे आप, लास्टली Q3 के ऊपर क्या है कि आप Q3 पे ही रहेंगे, ये लूप है, जब इनपुट जीरो होगी तो वन आउटपुट देके ये लूप है, और इसी तरह से जब इनपुट वन होगी Q3 पर तो आप Q1 पे चले जाएंगे और आउटप्रिंट भी आप वन करवाएंगे। सो ये देखिए वो ये तमाम सर्किट जो है ये इसके अगेंस्ट हमने एक मिले मशीन बना ली, तो मिले मशीन सर्किट ड्राइंग में बहुत हेल्पफुल रहती है और सिक्वेंशियल सर्किट्स की ड्राइंग के लिए हम मिले मशीन अक्सर इस्तेमाल करते हैं जी। आखिर में अब हमारे पास कन्वर्जन है कि हम मोरे को मिले में कन्वर्ट करना सीखें, और क्योंकि हमने अगर इक्विवेलेंस प्रूफ करनी है तो मोरे को हमने प्रूफ करना होगा कि मोरे मशीन जो होती है वो इक्वल होती है, यानी हमें इस वे पर प्रूफ करना है कि वो उसके अगेंस्ट मिले मशीन होती है और मिले मशीन के अगेंस्ट मोरे मशीन होती है। सो इस तरह से हम इस कंप्लीट प्रूफ कर सकेंगे कि मोरे मशीन जो होती हैं वो इक्वल होती हैं मिले मशीन के। सो हम पहला थ्योरम लेते हैं वन वे, इस तरफ से शुरू करते हैं कि मोरे मशीन है तो फिर लाजमी उसके अगेंस्ट मिले मशीन बन सकती है। बहुत सिंपल प्रोसीजर है, मैं उसे क्लियर कर देता हूं कि इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक मोरे मशीन मौजूद है और मोरे मशीन में आप जानते हैं स्टेट के अंदर आउटपुट लिखी होती है, जबकि मिले मशीन में जो स्टेट्स लेबल्स हैं उन पे उनके साथ इनपुट के साथ आउटपुट लिखी होती है। सो अभी बहुत आसान है, इनिशियल स्टेट पे क्या लेबल है हमें इसको इग्नोर करना होगा, बाकी उसके बाद इस पे मसलन Q1 पे इनकमिंग हेड जो है उसमें आपके पास क्या है A, और यानी यहाँ पर A है। सो जो भी जितने भी इनकमिंग एज हैं किसी भी स्टेट, मसलन कोई स्टेट आपके पास है उसमें जितने भी इनकमिंग एजेस हैं आप सिंपल ऐसा करेंगे मसलन ये A B C के साथ और इसमें लेट से आउटपुट कोई T लिखी हुई है, तो अब आपको सिंपल जब मिले मशीन बनानी है तो आपको ऐसा करना होगा कि ए के साथ यहाँ पर टी लिखते हैं, बी के साथ भी यहाँ पर टी लिखते हैं और इसी तरह से सी के साथ भी टी लिखते हैं, तो ये आपके पास मिले मशीन बन जाएगी, ये आपकी वो स्टेट है और आउटपुट गोइंग आउट गोइंग एज जो है वो इसी तरह से रहने देंगे जैसे पहले थे, तो ये आपके पास मिले मशीन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये हर स्टेट के लिए जब जितनी स्टेट्स उसमें मौजूद हैं उन सब के लिए करेंगे तो फाइनली आपकी मोरे मशीन मिले मशीन में कन्वर्ट हो चुकी होगी। मसलन मैं इस मोरे मशीन को कन्वर्ट करता हूँ तो क्यू नॉट के ऊपर तो हमें कुछ जरूरत नहीं है करने की, हम उसके बाद क्यू वन के
के ऊपर अगर वन है, इसमें इनकमिंग एज सिर्फ ये ए वाला है, तो मैं इस ए के साथ जो भी इसकी आउटपुट थी क्यू वन पे आनी वो यहाँ लिख देता हूँ। फिर इसी तरह से क्यू टू के ऊपर बात करते हैं, क्यू टू पे मेरे पास इनकमिंग एज, एक तो ये इसका अपना लूप भी है, लिहाजा इसके लूप पे भी क्या लिखा जाएगा, ए के साथ वन है। फिर इसका इनकमिंग एज जो है ये क्यू नॉट से आ रहा है और उसके अलावा क्यू वन से आ रहा है, तो जो क्यू नॉट से आ रहा है इसमें हम कहेंगे कि बी पे भी वन लेके इधर आउटपुट दे, वन इनपुट है, बी जो है इनपुट है और वन जो है वो आउटपुट है। इसी तरह से मेरे पास क्यू वन से इस तरफ एज आ रहा था तो उस एज को भी हम लिखेंगे अब, लेकिन इस बी के साथ भी हम क्या लिखेंगे, वन। ये वन वही है जो स्टेट के अंदर था, तमाम इनकमिंग एजेस जो भी थे उसमें ये लिख दिया। आउटगोइंग एज जो था उसको हम उसी तरह ड्रॉ कर सकते हैं इसका। अब हम क्यू थ्री के ऊपर आते हैं, क्यू थ्री में इनकमिंग एज जो है वो मेरे पास यहाँ पर एक क्यू वन से आ रहा है, एक क्यू टू से आ रहा है और एक लूप है। सो लूप को पहले हल कर लें, क्योंकि क्यू थ्री में वन है तो ए के साथ भी अब क्या लिखा जाएगा, वन, और बी के साथ भी क्या लिखा जाएगा, वन लिखा जाएगा। तो इसी तरह से ये वाला बी जो है इसके साथ भी वन लिखा जाएगा, और यहाँ पर जो कि वन से एज आ रहा है ट्रांजिशन, इसमें ए के साथ वन प्रिंट करें। ये इस वक्त एक कॉरेस्पॉन्डिंग मिले मशीन तैयार हो चुकी हुई है। ये ठीक है कि इसकी जो हमारी प्रिंटिंग थी इसमें एक लेंथ ज्यादा होती थी, लेकिन मिले मशीन में आपको मालूम है जितने इनपुट की लेंथ होती है उतनी ही आउटपुट की लेंथ होती है। तो इसके ये सिंपल ये, यानी अगर आप सोचें तो जो हमारे पास प्रोसीजर दो मैंने बताए थे आपको मूरे मशीन के, तो ये उनमें से एक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, जिसमें एंट्रेंस पे सिंपल लिखना था हमने आउटपुट देनी थी, तो ये उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग मिले मशीन काम करती नजर आ रही है आपको। और दूसरा फिर हमारे पास मिले मशीन की हम बात कर लेते हैं कि हर मिले मशीन को मूरे यहाँ पर मिले होना चाहिए, मिले टू मूरे हम कन्वर्जन देख रहे हैं कि मिले टू मूरे कन्वर्जन कैसे होगी। ये थोड़ी सी इतनी सिंपल नहीं है जैसे पिछली थी कि हम उसी को रिवर्स कर दें, इसमें थोड़ा सा क्रिटिकल इशू है जिसे देखना पड़ेगा। पहले तो सारा सी बात करते हैं कि अगर मेरे पास लट से कोई होता, फॉर एग्जांपल कोई स्टेट है और इसमें सपोज जितने भी एजेस आ रहे हैं उनके ऊपर मसलन ए के साथ भी वन है, बी के साथ भी, आउटपुट जो लेटर है वो सबके साथ एक ही है, फिर तो ये बहुत आसान है आउटगोइंग जो भी हो इसके साथ। तो अब तो ये आसान है कि हम उसी तरह से क्यू वाई लिखेंगे लेकिन इसके साथ वन लिख देंगे, कि बाकी इस ए बी और सी के साथ लिखने की जरूरत कुछ नहीं है, आउटगोइंग एज उसी तरह रहेंगे। लेकिन हर दफा ये केस नहीं होता, पॉसिबल है कि मसलन आपके पास जो इनपुट एज है उसमें एक कहीं आपके पास जीरो आ रहा है और फिर आपके साथ उसमें वन भी आ रहा है और आउटगोइंग खैर जो भी है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे ये नोड क्यू आई जो है ये स्प्लिट हो जाएगी, इसकी कॉपी बनाएंगे हम एक, यानी मैं इसको नाम दे देता हूँ कि क्यू आई वन कह देता हूँ और इसी तरह से क्यू आई ऊपर लिखते हैं क्यू आई वन और क्यू आई टू। तो ये मेरे पास दो मैंने कॉपीज तैयार कर दी हैं इसकी। जो क्यू आई वन है इसमें फिर हम ए को इसमें ले आएंगे कि ए से आप इस पे आ जाएं और सिंपली यहाँ पर आउटपुट में आप क्या दे दें, जीरो दे दें, और बी के लिए मैं इस पे कर दूंगा कि आप इस पे आ जाएं और आउटपुट के लिए वन दे दें, और बाकी जो इन आउटगोइंग एज जो जिस स्टेट पे भी इसका जा रहा था जाएगा और जिस स्टेट उसी स्टेट पे इसका भी जाएगा। सो इस तरह से आप अपने इस मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें एक और क्रिटिकल पॉइंट तब है जब आपके पास फॉर एग्जांपल क्यू आई स्टेट मौजूद है और इस पे एक लूप भी है, फॉर एग्जांपल लेट से ए जीरो के साथ, बाकी इसमें कोई और इनकमिंग एज है बी वन के साथ है, या इसी तरह से लेट से ठीक
एक बी का ये है और ए का ये है, और इसी तरह से फिर आउटगोइंग भी इसमें कुछ ना कुछ हो। तो अब इस केस को कैसे सॉल्व करना है, इसमें आपके पास ठीक है कि आई की दो कॉपियां तैयार होगी, क्यू आई वन भी तैयार होगी और इसमें क्यू आई टू भी तैयार होगी, लेकिन इसमें एक और चीज जो खास एहतियात की रहेगी वो ये कि मसलन इसको इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस पे क्यू आई वन ये बी के साथ हो गया, ठीक हो गया। और जहां तक ए की बात है तो अब ए का लूप इसके साथ आएगा, इसके साथ हम यहाँ पर जीरो भी लगा देंगे क्योंकि ए के साथ यहाँ आउटपुट में जीरो था। एक और काम भी करेंगे कि इधर से भी हमें एक एक ट्रांजिशन लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि ये कह रहा था कि इस स्टेट के ऊपर ए लेके आप इसी पर रह सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ अगर उसकी कॉपी है तो ए लेके उसी पर रहने की गुंजाइश होनी चाहिए। सो वो गुंजाइश हमने इस तरह निकाली है कि इसको इसकी कॉपी के पास भेज दिए ए लेके। सो इस तरह से ये हमारे पास अब आउटगोइंग बाहर उसी तरह से रहेंगे इनके, तो ये हमारे पास लूप को हमने रिसॉल्व किया। आइए अब इन सारों के होते हुए हम अपने एग्जाम्पल जो यहाँ सामने लिखी हुई है थोड़ा जरा इसको देख लेते हैं कि जी। सबसे पहले अगर आप देखें तो क्यू डॉट जो स्टार्टिंग स्टेट है हम भी वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, और इसका इनकमिंग एज एक ये वाला है और एक इनकमिंग एज ये वाला है। इन दो के पॉइंट से देखें, एक में वन है और दूसरी तरफ से आपके पास जीरो आउटपुट प्रिंट हो रही है, आउटपुट आ रही है। तो इसका मतलब हमें क्यू डॉट जो है उसके दो कॉपीज क्या तैयार करनी पड़ेंगी, क्यू नॉट वन और क्यू नॉट टू, दो कॉपीज हम तैयार कर लेते हैं। और एक कॉपी में क्यू नॉट वन जिसके साथ आउटपुट लिखनी है अभी हमें, और क्यू नॉट टू इसके साथ भी आउटपुट अभी हमें लिखनी है। जी इसकी आउटपुट मैं जीरो कर देता हूँ, इसकी आउटपुट मैं वन कर देता हूँ। इसका मतलब कि ये एच जो कि वन से इसकी तरफ आ रहा था, अब इस मैच में मैं सिंपल ए लिख सकूंगा, और वो एच जो कि टू की तरफ से आ रहा था उस पर अब मैं क्यू थ्री की तरफ से आ रहा था उस पर मैं सिंपल बी लिख दूंगा यहाँ पे, और जो इधर से है वो अभी उसी तरह से रहा बी ओवर जीरो, इस पे बी वन अच्छा नोट कीजिए। जैसे इसका आउटगोइंग जितने थे वो हमें दोनों स्टेट पे बनाने हैं, आउटगोइंग इसके दो थे, इसके हमने दो पूरे कर दिए बी जीरो और ए वन वाला, इसी तरह इसके आउटगोइंग भी पूरे करने हैं। इसके आउटगोइंग एक स्टेट पे मैं यहाँ से लेके आता हूँ ये बी जीरो के साथ और स्टेट पे ए वन के साथ, ठीक हो गया। बाकी अभी सारा ऑटोमेटा वैसा ही है, लेकिन आप अगर नोट करें तो हमने उस मैटर को कैसे सॉल्व किया है, तो आपको चाहिए उस पर एक नज़र गौर कर लें, ठीक हो गया। अब उसके बाद हम एक और स्टेट, बस मैं क्यू थ्री को रिमूव करना चाहता हूँ। सो क्यू थ्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्यू थ्री के ऊपर इसके आउटगोइंग इनकमिंग है जिसपे सिंपल ये एक ही है और उस पे जीरो है, इसका मतलब ये मैं इजीली सॉल्व कर सकूंगा। और उसको अब मैं सॉल्व करता हूँ तो मैं इसको यहीं पर, अगर आप इसको समझ लें, मैं यहीं पर सॉल्व कर लेता हूँ, यानी मैं सिंपल इस बी के साथ ये रिमूव करता हूँ और यहाँ पर मैं इसमें जीरो ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह से इस बी को भी ख़त्म कर दिया मैंने, तो अब ये क्यू थ्री जो है उसमें मेरे पास सिर्फ ये रह गया। आउटगोइंग इसका उसी तरह से जो पहले थी, इसमें कोई नोट स्प्लिट नहीं करनी पड़ी, कॉपी नहीं बनी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं अपने क्यू वन को। क्यू वन में इनकमिंग जो है इनकमिंग एक ये है वन के साथ और ये भी वन के साथ है, ये लूप है वो वन के साथ ही है, इसका मतलब इसमें भी हम जरा सेफ हैं, हमें अभी स्प्लिट नहीं करना पड़ेगा। सो इसको भी मैं यहीं पर सॉल्व कर लेता हूँ कि वन
जो है मैं आउटपुट करवा देता हूँ, और बी के लिए भी इसका मतलब है ये, और इस यहाँ पर ए वन जो लिखा हुआ था उसमें सिंपल ए रह जाएगा। सो अभी तक ये आसानी हमने थोड़ी सी देख ली। अब उसके बाद आखिर में क्यू टू को सॉल्व करते हैं। क्यू टू के इनकमिंग एजेस कौन कौन से हैं जरा उसको एक नज़र देखें। इसमें एक दो तीन एजेस हैं, ये दो जीरो के साथ हैं और ये वन के साथ हैं, इसका मतलब इसमें स्प्लिट होना है। तो अब ये जो स्प्लिट होगा इसका मतलब ये हुआ कि मैं पहले Q2 को डिजाइन करता हूँ, Q2 का एक कॉपी और Q2 की दूसरी कॉपी, ठीक हो गया। अब सॉरी क्योंकि आउटपुट भी लिखनी है इसलिए ज़रा बड़ा कर लेते हैं, Q2 की एक कॉपी और Q2 की ये वन वाली कॉपी मैं कर देता हूँ, Q2 की दूसरी कॉपी जिसपे जीरो आउटपुट आनी है, ठीक है। ओके अब होगा क्या, इस मामले को देखते हैं। मैं लूप को रिजॉल्व करता हूँ पहले। लूप रिजॉल्व कैसे होगा कि लूप जो था जीरो वाली पे था कि अब मैं लूप यहाँ पर रहेगा लेकिन बी के साथ, ठीक हो गया। और फिर उसके अलावा क्योंकि इस स्टेट पे लूप रह सकता है तो इस स्टेट से दूसरी स्टेट से यहाँ पर बी के ट्रांजिशन के साथ मैं यहाँ पर आऊँगा। इसका मतलब कि क्यू2 पर अगर बी आएगा तो बहरहाल मैं बी लेके इधर आऊँगा और उसी स्टेट पे हूँ बेसिकली, लेकिन जीरो प्रिंट कर दूंगा, ठीक। और फिर इस तरह से अब बाकी मेरे पास जो चीज़ें बनेंगी वो आप देख लीजिए। मसलन Q3 जो है मेरे पास जिसमें आउटपुट जीरो आ रही है, इस Q3 से एज आ रहा था, ये अब एज इस पे आ जाएगा, ठीक हो गया। इस एज ने किस पे आ जाने जहाँ पर, क्योंकि ये एज जीरो वाला है, सो ये एज जीरो वाले पे और ए सिंपल लिख लेंगे। इसी तरह से क्यू नॉट जो है क्यू नॉट इसकी दो कॉपी है, क्यू नॉट टू क्यू नॉट वन इसकी दो कॉपी है मेरे पास। सो इसके जो इधर का रिलेशन है उसे मैं एज इट इज बिल्ड कर देता हूँ बी के साथ, बी के साथ। हाँ जी, जो इस पे आ रहा था ए के साथ वो अब बेसिकली इधर आएगा और सिंपल ए के साथ आएगा, और वो इससे भी आएगा लेकिन सिंपल ए के साथ आएगा, इसका बी के साथ, ये रहा, ठीक है। और इसी तरह से मैं Q1 को भी अब ड्रॉ करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि उसके ऊपर आता जा रहा हूँ मैं बेस फिगर पे, लेकिन होपफुली आपको क्लियर रहेगी। ये B के साथ थी, Q1 का A0 के साथ जो रिलेशन इसके साथ है, और Q1 का ओके उसमें तो सिंपल इस स्टेट से भी मेरे पास एक आना चाहिए ए लेके, और इस स्टेट से भी ए लेके मुझे यहाँ पर आना चाहिए, अब देख लीजिए। मसलन कोई ऐसा जो रह गया है जिसपे अभी लेटर ये हो गया जीरो वाला सिर्फ ये था, और ये वाला जीरो भी हमने रिजोल्व कर लिया। सो ये इस वक्त मेरा फाइनल ऑटोमेटा है जो कि बेसिकली इस मूरे मशीन के अगेंस्ट बना, लेकिन इस ये इस मेले मशीन के अगेंस्ट ये मूरे मशीन मेरे पास बन चुकी है। बहुत ज़्यादा साफ सुथरी मैंने नहीं बनाई, लेकिन आई होप कि आपको प्रोसीजर समझ आ गया है कि किस तरह से हम मेले मशीन को मूरे मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस तरह हमने देखा कि ये दोनों मशीन जो है ये भी इक्विवेलेंट मशीन है जो कि सेम पावर रखती हैं। जो काम मेले मशीन से किया जा सकता है वही मूरे और इनकी आपस में कन्वर्जन पॉसिबल है, और ये प्रूफ बाय कंस्ट्रक्शन हमने देखा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रेगुलर लैंग्वेजेस के ऊपर एक थोड़ा उसका रिव्यू करेंगे।